नांदेड़ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तश्कील जदीद का एक प्रोग्राम 29 अगस्त इतवार के दिन शहर के आरके फंक्शन हॉल महबूब नगर में मुनक़द हुआ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक महाराष्ट्र सदर असलम खान मुल्ला और जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुलरहमान ने जलसे से खिताब किया और मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग के मकसद और अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। सैकड़ों नौजवानों की मौजूदगी में तश्कील जदीद का प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। नांदेड़ ज़िला सदर की हैसियत से हाजी उस्मान कुरैशी को नामज़द किया गया। इस मौके पर मोहम्मद फारूक, खाजी मोहम्मद हयाउद्दीन, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद गौस, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद गनी व दीगर मुस्लिम लीग के पुराने रफ़ा मौजूद थे। इस मौके पर नौ मुंतखबा ज़िला सदर हाजी उस्मान कुरैशी व दीगर मौजज़ीन की गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी मुस्लिम लीग इंतहाई दयानतदार और मुखलिस अफराद पर मुबनी है। ग़ुलाम महमूद बनातवाला ने जिस मुस्लिम लीग का ख्वाब देखा था, इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, बल्दियात के इंतखाबात में मुस्लिम लीग पूरी तरह ताकत से हिस्सा लेकर न सिर्फ फ़िरका परस्तों को शिकस्त देगी बल्कि कामयाब भी होगी। इन्होंने मुस्लिम लीग को वक्त की ज़रूरत के मद्देनज़र मजबूती और तख़वियत बख्शने की अपील की। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की तरफ से पूरा महाराष्ट्र में जो है मेंबरशिप ड्राइव और नया कमेटी तश्कील किया जा रहा है। हमारे नेशनल कमेटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि 2021 दिसंबर तक हर जगह पर नया मेंबरशिप ड्राइव और नया कमेटी का तश्कील होना चाहिए। उसके शुरुआत के हिसाब से नांदेड़ में जो है आज हम लोग उस्मान कुरैशी साहब, जो पहले से मुस्लिम लीग में रह चुका है, मुस्लिम लीग से इलेक्शन भी हो चुका है और कम से कम 16,500 वोट ले चुके 1990 में, और माशाल्लाह उनके एक इदारा भी चल रहा है, स्कूल वगैरह मदरसा भी चल रहा है, तो उनको जो है हम लोग आज यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया है। और अभी नांदेड़ में मुस्लिम लीग जो है इनके ज़ेर तले, इनके प्रेसिडेंटशिप में जो है सदारत में मुस्लिम लीग को मजबूत करेंगे और ये मेंबरशिप ड्राइव और बाकी सब इंशाल्लाह नौजवानों को सबको जोड़ेंगे, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को जो है यहाँ पर मजबूत करेंगे। और हम लोग एक केरला मॉडल जो है, एक केरला मॉडल जो है पूरे भारत के अंदर, ख़ास करके महाराष्ट्र के अंदर भी एक पैगाम लेकर के चला है कि जो सचार कमीशन रिपोर्ट मैंने जैसा बताया, सचार कमीशन में सचार कमीशन रिपोर्ट ने बाकायदा कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केरला के मुसलमान हर पहलू में आगे, चाहे वो सरकारी मुलाजमत में हो, तालीम में हो और माली हालात में हो। और उन्होंने ख़ास करके सचार कमीशन, जैसे सचार ने लिखा है कि ये जो कामयाबी केरला मुसलमानों का मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जद्दोजहद की वजह से है, तो ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम हम देना चाहते हैं। और जो हालात अभी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मुझे ख़ास करके बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक हिसाब से जो है हर कदम कदम पर जो है देश के तरफ जो है प्रूफ देना पड़ता है, हर जगह जो है हर वक्त जो है हमसे प्रूफ मांगा जाता है कि राष्ट्रवाद के बारे में या देशभक्त के बारे में, ये एक बड़ा मसला है। और जबकि आज़ादी का अगर किस्सा अगर देखे जाएंगे तो इतने उलमाए कराम आज़ादी मिलने से पहला इतने जो है फांसी दिए गए, इतने लोगों ने हमारे खून दिए जो हिसाब से, और जो तंजीम उस वक्त ब्रिटिश का जो है खबरी बना करते थे, वो लोग आज जो है हम लोगों से प्रूफ मांग रहे, देशभक्त का जो है प्रूफ मांग रहा है। ये बहुत ही जो है एक मुश्किल हालात में जो है हिंदुस्तान चल रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत है अभी सही चीज़ को पहचान कर हिंदुस्तान का जो संविधान है वो संविधान के हिसाब से हमारे हक लेने का तरीके से जो है हमें इत्तेहाद पैदा करके हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए जो है मुस्लिम लीग हर तरीके से मैदान में उतरा हुआ है और महाराष्ट्र में भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को मजबूत करने का पूरा तौर तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नांदेड़ के सरजमीन पे पहले हमने देखे थे कि बहुत नगर सेवक यहाँ मुस्लिम लीग से चुन के आते थे। हमें जब मालूम पड़ा बॉम्बे से कि यहाँ यूनिट बनना चालू है, तो हमने चाहा कि नहीं, नांदेड़ में भी हम स्टैंड करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल NMC, BMC, पूना, कहीं आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल देखा है मनपा की? मुस्लिम लीग तगड़ी हुई, इसीलिए हाउस में वहाँ मंजूर करी।
आज 4,29,00,000 की स्कूल बनाई, आज 2100 बच्चों का एडमिशन है। किसके वजह से? मुस्लिम लीग तगड़ी है तो हर समाज का बच्चा वहाँ एजुकेशन में, 92% बच्चा मैट्रिक में लेता है। आज वहाँ से जो भी मैट्रिक का बच्चा पास होगा, मैट्रिक तक स्कूल है, इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट चांस अगर चुन के आएंगे तो हम 11-12 भी करेंगे। रखेंगे हमारी पार्टी जो है क्लियर है, हमारे पार्टी में आओ, हम हर एक नौजवान बच्चों से मिल के उसकी यूनिटी बनाएंगे, हर वार्ड का अलग अलग जो है कमेटियां बनाएंगे, इस तरीके से हर तालुके में भी जिस तरह 190 में किए थे, 190 में उसी तरह आगे करे भी थे, लेकिन वो टाइम में भी टाइम नहीं मिला था, फुर्सत से टाइम है, बहुत कोशिश करें। 190 में 17,051 वोट मिले थे हमारे को मुस्लिम लीग। मैं जुबैर खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम यूथ लीग। आज जो नांदेड़ आना हुआ है, मुस्लिम लीग यहाँ नई नहीं है, मुस्लिम लीग पहले से थी, यही है कि मुस्लिम लीग स्टैंड करने के लिए फिर से आना पड़ा। हर पार्टी में होता है, कभी ज़्यादा रहते हैं कभी कम। और मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग सिर्फ सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग इंसानियत की राजनीति करती है, इंसानियत के लिए काम करती है। जैसे कि आपको मालूम है हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, आवाज़ पार्लियामेंट में उठती है, हर कोई आवाज़ डिबेट में उठाता है, बस आवाज़ उठाना नहीं है। उनके फैमिली के साथ क्या किया? कोई मुस्लिम लीडर ने आवाज़ उठा दी, एक दिन पेपर में छप गया, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने, मैं यूथ लीग नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मैं कई जगह गया हूँ। आज आपको मालूम है, आज से 2 साल पहले कठुआ गैंगरेप हुआ था, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था जम्मू में, ठीक है, कठुआ में। तो उसके परिवार के साथ आज मैं बता रहा हूँ, हमारा वकील है, उसका जो केस लड़ रहा है वो हमारा वकील लड़ रहा है। उसकी फैमिली को यानी ऐड दिए, पैसे दिए हैं, जो भी दिए पैसे दिए, मदद दिए, किस लिए? वो कमज़ोर तबका है, वो केस नहीं लड़ सकता है, उनके लिए। चाहे मुस्लिम ही नहीं, दलितों के साथ, रोहित वेमुला आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसके साथ जो अत्याचार हुआ, एक जाति के नाम से अत्याचार, उसके परिवार के साथ भी मुस्लिम लीग खड़ी थी, उसके परिवार को एक घर बना के दी मुस्लिम लीग। वैसे हर जगह, सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी समाज को लेकर मुस्लिम लीग चलती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम यूथ लीग से ज़्यादा लोग जुड़े। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।